आप देख रहे हैं जनमंच खबर। 16 वर्षीय किशोरी कोरोना पॉजिटिव निकली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की पुष्टि। प्रशासन ने गांव को किया सील, कमिश्नर सहित आला अफसरों ने मातहतों को दी हिदायत। गोरखपुर मंडल का कुशीनगर इकलौता जनपद था जो कोरोना महामारी को लेकर बांटे गए ग्रीन जोन में शामिल था। मंगलवार को हाटा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 बिलवनिया ढाड़ा खुर्द के एक 16 वर्षीय किशोरी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से यह ऑरेंज जोन की तरफ अग्रसर है। इसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो उसने आनन फानन में गांव को सील कराते हुए ग्रामीणों से यह अपील की कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करें। कमिश्नर सहित आला अफसरों ने गांव का दौरा करते हुए हॉटस्पॉट बनाकर 1 किलोमीटर के दायरे को किया सील। किशोरी कानपुर में अपने परिवार में रहकर पढ़ाई कर रही थी, परिजन 2 माह पूर्व अपने घर चले आए। किशोरी पढ़ाई के कारण घर नहीं आई। लगभग 1 सप्ताह पूर्व कानपुर में उसकी तबीयत खराब हुई तो वह अपने ट्रक चालक बहनोई के साथ उसके ट्रक में बैठ अपने घर बिलवनिया आई। वार्ड के लोगों द्वारा हो हल्ला मचाए जाने के बाद वह अपने पिता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते 1 मई को जाँच कराने के लिए पहुँची। प्रभारी चिकित्साधिकारी दलाल बाबू यादव ने जब उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की तो उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ पाया। इस पर उन्होंने उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल जांच के लिए भेज सीएमओ को इसकी जानकारी दी। जिला अस्पताल द्वारा कराए गए पहली जांच में कोई सटीक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। इस पर उसका दूसरी बार जांच कराया गया। मंगलवार को मिले जांच रिपोर्ट में किशोरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीएमओ नरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा ज्यों ही जिला प्रशासन को किशोरी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसने उक्त वार्ड को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उसे सील कर दिया। कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र के साथ पहुँच वार्ड का जायजा लिया तथा अपने मातहतों को जरूरी निर्देश देते उसे कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया। गांव में एसडीएम प्रमोद तिवारी, तहसीलदार सुकर्मा प्रसाद विश्वकर्मा, कोतवाल हरेंद्र मिश्र, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर एलवी यादव सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। जनमंच खबर के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट में सुने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर ने क्या दी जानकारी। एक बच्ची इंदु कुमारी, उम्र 16 साल की लड़की है। इनके पिताजी मनोज प्रजापति हैं, ग्राम ढाड़ा खुर्द बिलोनिया थाना हाटा की रहने वाली है। यह दिनांक 1/5/2020 कानपुर से अपने जीजा ट्रक ड्राइवर के साथ आई थी घर पे। इसी में रैंडम सैंपलिंग कराया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रिजल्ट सुबह 6 बजे आया है। जांच के लिए इसको भेज दिया गया वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के जांच एवं अग्रिम उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को भेज दिया गया है। इसे गांव की जो है टोटल वो कराया जा रहा है, पूरे गांव की जांच कराई जा रही है। 1 किलोमीटर दूर की परिधि एरिया में पूरी जांच कराई जाएगी। उस गांव को लॉकडाउन कर दिया गया है और जिन लोगों को लक्षण रहेंगे सर्दी जुकाम बुखार के उन लोगों की भी जाँच कराई जाएगी। इस मरीज के घर में 4 लोग हैं, उसके 1 माता-पिता एवं एक भाई बहन, चारों की जाँच करा दी गई है। चारों की जांच भी करी करा दी गई थी, रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है। इनके जो बनोई है ट्रक ड्राइवर जिनके साथ ये आई हैं, इनको भी हम ट्रेस कर लिए हैं। एसएलएमगढ़ में ट्रक से कोई सामान उतार रहे थे, इनको भी हम बुलाए हैं और ट्रक ड्राइवर के माता पिता सब लोगों का भी हम आज जांच करा रहे हैं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।